Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes, bet I be driving you crazy. Got this shit out of the gutter, did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me, baby, it's feeling amazing. सो फ्रॉम द डे जिस दिन मैं इस बेड को यहाँ पर लेकर आया था, उस दिन से यहाँ पर एको का जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो गया है, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है. एंड इट्स अ परफेक्ट गेट अवे कि अगर आप काम करते करते थक गए हो, देन यू कैन हैव रेस्ट. सो इट्स अ सैटरडे, एंड सैटरडे को जितना भी सफाई वगैरह का काम होता है, इतना सामान एक पूरे वीक के अंदर फैलता है या फिर कुछ इधर से उधर रखा जाता है, जो भी चीज़, बेडशीट्स चेंज करना, ये सारी चीज़ करना होता है एक सैटरडे वाला काम. सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव, और आप सबके लिए संडे. होप आप सबका जो वीकेंड है वो घर पर भी अच्छा जा रहा है. होपफुली इस हफ्ते हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली खुल जाए, मैं तो चाहता हूँ खुल जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही हैं हम सबको, ऑल नो वेरी वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. एंड आज का जो थंबनेल आपने देखा है, इंस्टॉल दिस लगेज कैरियर, और जो भी मैं इस चीज का टॉपिक रखने वाला, तो इस चीज को आज मैं इंस्टॉल करूंगा, एंड वो जो बॉक्स है वो आपको कल देखने को मिलेगा. बस इतना ही है हमारा सरप्राइज. एंड बैकएंड के अंदर काफी ज्यादा काम हो रहा है रिलेटेड टू ऑल द चैनल नेम चेंज एंड एवरीथिंग. वैसे तो स्मॉल थिंग्स डजंट मैटर, पर आजकल जैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि 10K के पास हम बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो एकदम से क्या हुआ, सपोज अभी मेरे होते 9.9K, आपको अपने जो आप जब मेरा चैनल देखोगे तब उसके ऊपर 9.9K शो होएगा, लेकिन जब मैं अपने YouTube स्टूडियो से अपना चैनल देख रहा हूं, तो उसके अंदर समथिंग अबाउट 9.8. आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स इन लास्ट 12 hours. तो अगर ऐसा होता है कि गलती से आप भी अनसब्सक्राइब हो जाते हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, राइट अवे, फॉर अस टू गेट टू 10K. आप इस चैनल को एंड इन सारी वीडियोस को शेयर कर दो, क्योंकि जो कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा है तो सामने वाले को भी पसंद आया, तो मेक श्योर दैट यू शेयर ऑल द वीडियोस. एंड लेट्स गेट टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टॉप रैक. सो राइट नाउ आई हैव पोस्टेड अ वेरी वेरी गुड स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहां जाके जरूर फॉलो करना एंड देखना कि क्या वहां पे एकदम ही अलग कंटेंट आता रहता है. अभी बात करें इस चीज की, तो ये जो चीज है, दिस इज वेरी कस्टम बिल्ड. अब मैं इसकी बात बताता हूँ आपको कि मैंने मंगवाई कहाँ से. इसकी रैक है, ये कहीं अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जाना से मंगवाई, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट दे. ये सिर्फ एक जो लोहे का टुकड़ा है, दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3,000 to 3,500 rupees. बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कस्टम बिल्ड थिंग्स, ये जो जितनी भी चीजें वेल्डेड है इसके अंदर, जिसकी जो पेंट कॉस्टिंग का काम आता है, जिसका जो प्राइमरिश का काम आता है, अप्रोक्सीमेटली 1,500 to 2,000 मैक्सिमम होगा, पर ये 3,350 रुपए की चीज मैंने ले ली है जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, क्योंकि अभी कई सारी प्रोटोटाइप चीजें हैं जो इसके ऊपर मैं टेस्ट करने वाला हूँ आप सब लोगों के. मोटो स्टोर इंडिया पर अगले एक या दो महीने के अंदर आराम से अवेलेबल होगी आफ्टर द लॉकडाउन थिंग्स गेट्स ओवर. ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर है वो भी कस्टम बिल्ड है, वो भी हमारे ही ब्रांड की है. एंड जो ये चीज है, इसको हम अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पर माउंट करेंगे. देखते हैं क्या ये हमारा डेडिकेटेड वेट जो है वो झेल पाएगी या नहीं, ये तो आज प्रूव होगा. पर गाइस एक ना इशू बहुत बड़ा आ गया यार, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं वो तो पता है आपको सारी क्लोज है, जितनी भी दुकानें हैं सब करोल बाग रौनक की भी दुकान जो है वो बंद है ड्यू टू द लॉकडाउन. क्या करें, कोई बात नहीं, इस चीज की इंस्टॉलेशन हम घर पे खुद ही करते हैं. गॉड सेक आई हैव ईच एंड एवरी टूल एट होम, पर जो मेन टूल्स होते हैं, जो टी टूल्स होते हैं, वो जरूरत पड़ेगी, पर उसको देखते हैं कि उसके बिना अगर ओपन हो गया तो वेल एंड गुड है. एंड अपनी बाइक में से पार्ट्स वगैरह खोलकर ऊपर लाते हैं, इसको फिट करते हैं, वापस इसको लगा दे बाइक के अंदर. और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाने दूंगा, याद रखना. ठीक है, सो आई ऑलवेज कैरी अ टूल किट विद मी, इसको यहीं रखे रहने दो, क्योंकि इसको ऊपर आकर फिट करेंगे एंड दैट थिंग. क्योंकि गाइज अभी तक मैंने इसका जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट कर देखा है, मुझे इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, जैसे इसका जो बैक रेस्ट है वो इसके फ्रेम पर माउंट नहीं हो रहा, क्योंकि बैक रेस्ट के होल्स थोड़े से दूर है, फ्रेम के जो नट्स हैं थोड़े से पास है. दूसरी चीज़ जो इसके नट्स के होल्स हैं, जो इसके जहाँ पर बैकरेस्ट लगता है वहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है. दैट टू जब हम इसके अंदर स्क्रू टाइट करते हैं तो फिर वो चूड़ी पहले से बनी हुई नहीं आई है. दिमाग चलाना पड़ा था, पर कोई बात नहीं, हो गया फाइनल. कि नीचे बाइक के अंदर से जो पीछे वाली सीट का काउल है ना पूरा, हमें वो पूरा लेकर आना है. पहले एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये लगेगी कैसे. तो ये चीज़ क्या है, इसके जो आगे के दो डंडे हैं ना वो लगेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से होते होते ये चीज़ आएगी यहाँ पे, एंड ये इससे ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे, तो हमारी ये जो चीज़ है ये निकल जाएगी. एंड उसके लिए हमें ये पूरी चीज़ उतारनी पड़ेगी जो आएगी यहाँ तक. एंड ये वाला नट आई थिंक मेरे को गाड़ी वाला जो जैक है ना वो लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर. टूल्स तो हो जाएंगे सारे आई थिंक, हाँ हो ही जाने चाहिए. बाकी देखते हैं, अगर कुछ नहीं खुला तो फिर मैकेनिक के पास लेके चलेंगे. तो गाइस फाइनली जो अपना है जुगाड़ वो हो चुका है. कैसे, एक तो मैं गाड़ी के अंदर से निकाल के ले आया था ये जैक, ये पता नहीं कितना 18 नंबर का है, तो इसके अंदर 16 का लगता है, लेकिन 18 से इसके नट खुल गए. यहाँ पर लगा 18 का, यहाँ पर लगा गाड़ी का जैक, एंड ये पाना लगाया मैंने अंदर,
एंड दिस थिंग इज आउट। इसको तो निकालना यार सच में बड़ा आसान है, मैं तो सोच रहा था कि बड़ी मेहनत लगती है, इसको तो कभी भी निकाल के चला लो। मतलब ये जो चीज़ है ये घर के अंदर बैठे बैठे, ओ डैम यार कितनी सही लुक आ रही है इसके साथ इसकी यार, बिना फेंडर के। जब मैंने इसका साइड गार्ड उतरवाया था तब लुक ये मैंने देखी थी एंड आई वॉज शॉक्ड। अब इसकी लुक जो है वो दोबारा आ चुकी है, अब मुझे लगाने का मन नहीं कर रहा है यार इसका। लो कोई नहीं, अगली बार जब हम सोलो राइडिंग वगैरह खर्च करेंगे ना, खाली टैंक बैग लेके शॉर्ट राइड पे निकलेंगे एंड इस चीज़ को उतार के भी राइड करने का ट्राई करेंगे पूरा पूरा। अपना ओ मेहनत बड़ी है यार, बहुत मेहनत है गाइस, बहुत मेहनत है। आई वेंट 5 फ्लोर्स डाउन, रिमूव दिस थिंग, केम 5 फ्लोर्स अप इन 40 डिग्री सेल्सियस इन दैट टू नॉन एसी रूम। सिंपैथी के लिए नहीं पर हार्ड वर्क के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। चालू कितना है इस पे सब्सक्राइब करवा दे। जितना भी सेटअप है ना मुझे अंधेरा होने से पहले खत्म करना है, क्योंकि एक बार अगर अंधेरा हो गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये रात को फिट नहीं होने वाली चीज है। पता है ब्रिंगिंग आउट डेली व्लॉग्स इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क यार, ये मैंने एक हफ्ता करके देख लिया है। मेरा मन करता है सबके लिए वीडियोस बनाने का एंड ऑब्वियसली जब मैं अपनी बाइक ऐसी तरीके की मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, सो जो इस साइड वाले आप नट्स देख रहे हो उसके अंदर ये चीज़ इसके साथ जॉइंट है। आपको पता है जितने खोलने खालने वाले काम थे ये मैं बचपन से बहुत ज़्यादा करता आ रहा हूँ, यार ये सब करने में ना बहुत मज़ा आता है। व्हाट इज़ इनसाइड इट, हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी एंड वो क्यूरियोसिटी जो मिटाने के लिए, वो आपने एक कहावत तो हमेशा सुनी होगी, गेट हिम इनटू बाइक्स एंड ही विल नेवर हैव मनी फॉर ड्रग्स। एंड पता है आई लव टू वर्क ऑन माई बाइक्स, ऑन माई कार्स, या फिर जो भी मेरे को पापा ने दिया है, या हमारे घर में जो व्हीकल है। आप में से जो लोग मेरे काफ़ी पहले के व्यूवर्स हैं, जो एकदम इनिशियल व्यूवर्स हैं, उन सबको पक्का आइडिया होगा कि मेरे पास एक जुपिटर हुआ करती थी, कि उसके ऊपर मैंने क्या किया था। मतलब ओके अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसके नट्स कैसे लगेंगे। It was at this moment that he knew he fucked up. यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है इस समय, क्योंकि जब मैं यहाँ से ये नट टाइट कर रहा था, से मैंने इस नट को किया ज्यादा टाइट एंड ये यहाँ से गया टूट। चूड़ी अंदर है, नट बाहर है, हो जाएगा इसका भी जुगाड़। लेकिन एक बात तो है, नट जो है वो बड़े ही हल्की क्वालिटी के दे रखे हैं। कोई बात नहीं, जब तक किसी काम के अंदर कोई रुकावट ना आए तब उस काम को भी करने का मजा नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो ब्रोकन नट था इसके अंदर एक नट लगाया, देन उसके ऊपर एक और नट लगाया, देन जो नीचे वाला नट है उसको खोला। तो फिर ये चेक नट टेक्निक होती है, अभी आपका कोई नट टूट जाए ऊपर से उसका हेड, तो दो नट फंसाओ, जो नीचे वाला नट है उसको अनस्क्रू करना शुरू कर दो, उससे वो उल्टा लगना शुरू हो जाएगा। सिंपल टेक्निक है। ओ भाई साहब आज भाई साहब निकल गया मुंह से। 2 घंटे की कमर तुड़ाई के बाद जाकर ये चीज फिट हुई है। मतलब कितनी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट हुई, कितना सारा कुछ हुआ। नाउ दिस थिंग इज रेडी। बहुत सारे फ्लॉज है इसके अंदर यार, बहुत सारे फ्लॉज है। इसका मैं ऑल्टरनेटिव जरूर लेकर आऊंगा, मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव देखा है, वो मैं लाने की फ्यूचर में जरूर कोशिश करूंगा। तब भी कहता हूँ कि पहले मेरी वीडियोस देख लिया करो, उसके बाद टेस्टिंग किया करो, क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतने सारे नट्स आगे पीछे हैं, नट्स जो दे रखे हैं वो पहले से कमजोर है, जो वॉर्सल्स हैं वो छोटी हैं। इसको करते हैं अपनी बाइक पर फिट एंड देन लेट्स सी हाउ इज द लुक एंड क्या ये फिट होता है या नहीं होता। पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी उसके अंदर, यहाँ से अपने को सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी का जैक लेना पड़ेगा। बाकी नट्स जो है वो मैंने एकदम अच्छे से टाइट कर दिए इसके। गुड टू गो। सो गाइस आफ्टर अ वेरी 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 हार्ड वर्क काम है वो खत्म होने को आया है, अब ये चीज ऐसे लगेगी यहाँ पर। I can hear your voice. So finally the rack has been fitted. एंड इसका जो एरिया है वो ना थोड़ा सा टिल्ट है, पीछे से देखेंगे तो थोड़ा सा लिफ्टेड रखता है, पर इसी को लेकर रखता है कि कहीं ना कहीं दिस विल डू द जस्टिस। Guys, finally I have completed and set up this complete rack and I'm so sorry कि मैं इतनी गंदी जगह पर लेने आया हूँ, यहाँ पर पूरा कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। आई एम सो सॉरी फॉर ब्रिंगिंग यू टू दिस लोकेशन। ये कि और कोई जगह वैसे ही बची नहीं है, क्योंकि हर जगह लोग बाहर निकल रहे हैं एंड हर जगह भीड़ लगी पड़ी है, तो मेरे पास गिन चुन के बस ये एक लोकेशन पड़ी हुई थी। बाकी आपको ये रैक कैसी लगी, दिस वॉज वन ऑफ द सरप्राइज ऑफ 10K, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब ऑन दिस नोट।
आई डोंट गोइंग विद दिस क्योंकि मुझे इसको फिट करने में कम से कम 3 घंटे स्ट्रेट लग गए हैं और इसके अंदर भी कई सारे जुगाड़ हुए हैं कि इसको खींच के चौड़ा करना पड़ा, अपनी बाइक के हिसाब से बिठाना पड़ा। पर इसके ऊपर एक बार फिटिंग हो जाए हर चीज़ की उसके बाद मैं इसको रिकमेंड करूंगा हर जगह एंड उसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट लेकर आऊंगा इन द लाइन दैट विल सर्व द पर्पस। तो सुबह से काम करते करते इट्स नाउ 10:30 PM। कितनी ठंडी हवा चल रही है यार, दिल्ली का मौसम यार चुटकियों में बदलता है यार, चुटकियों में। कुछ भरोसा नहीं है दिल्ली के मौसम का। अभी से ऑलमोस्ट 14 आवर्स बाद, 14 घंटे बाद देख लो कितने तेज चल रही है हवा। अभी से लगभग 14 घंटे बाद मेरी वीडियो लाइव हो जाएगी ये वाली एंड इसके मैंने शॉर्ट्स जो नहीं लिए हैं वो मैं सुबह लूँगा जाकर द डे दिस विल वीडियो विल गो लाइव। और जब होएंगे ना मुझे स्टोरी में टैग्स चाहिए सबके, इंस्टाग्राम पे सब टैग कर देना, नहीं किया ना फिर देखना। अगर इतनी अच्छी वीडियोस ला रहा हूँ तो रिस्पांस मुझे वहाँ पर भी मिलना चाहिए, याद रखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फटाफट, ऐड जा रहे हैं यहाँ पर धमकी वगैरह दे रहे यार। पता है जैसी कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड हो जाती है ना आप लोगों के साथ, मज़ा आता है वीडियो डालने में। वैसे ही वहाँ पर आओ, वहाँ पर पोस्ट मीम्स रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डालूँ। सो दीज वर द टूल्स दैट आई वाज यूजिंग। ये रॉयल एनफील्ड के टूल्स थे, कुछ इसके टूल्स थे, कुछ ये तो भाई ये तो बेकार चीज़ है। तो इसका जाना का ये क्या बोलते हैं इसको जो बैक रेस्ट है, इसके नट्स ही मिक्स नहीं हो रहे, मेरे को अलग से छेद करवाना पड़ेगा इनके अंदर। बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू, बी हाइड्रेटेड। मौसम अच्छा हो रहा है, हम पता क्या करते हैं जब भी मौसम अच्छा होता है ना, मैं यहाँ पे कुर्सी डाल लेता हूँ, वहाँ ऊपर दीवार पे पैर रख लेता हूँ एंड आराम से ठंडी हवा लेता हूँ जब तक धूल ना उड़ रही हो। थोड़ा सा हम चिल आउट होते हैं क्योंकि कमर में दर्द हो गया उस चीज़ के ऊपर काम करते करते एंड उसको फिट करते करते। शॉर्ट्स शायद देखे होंगे आपने, मेरी बहन ने रिकॉर्ड करे थे वो। तो बस इतना ही रखते हैं, हम मौसम के मजे लेते हैं, आप भी जाइए ठीक है।